जय माता दी। अब हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर के मंथ में उनके प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है पसंद आएगी, तभी आप लोगों के लिए आगे ऐसी ही बड़ी रीडिंग आएगी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिटेल रीडिंग हो रही है तो ये बड़ा तो हो ही सकता है ना, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन और गाइडेंस है पूरी तरीके से, तो आप ज़रूर देखिएगा इसे। और अगर बाहर की कुछ आवाज़ आए तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए दो कार्ड हमने निकाला है, जैसे कि हम सभी राशियों के लिए कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो वृषभ राशि के जो हैं, आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं अभी इस बीच में। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आपकी नींद बार बार खुल रही हो किसी वजह से। देखिए, मैंने ये कहा है और आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है, या आप किसी ऐसे पर्सन के लिए जिनसे आपका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनके लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। ये हो सकता है वो कोई भी हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा कार्य का जो दबाव हम कहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर कार्य का, कि आप अच्छे तरीके से हम कहेंगे कि बैलेंस आपसे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका जो इमोशनल रिश्ते हैं उन्हें आप किस तरीके से संभालेंगे। मुझे ये एनर्जी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है वृषभ राशि वाले लोग अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप जिस तरीके से चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें या किसी भी प्रकार से, तो उसमें आपको दिन रात एक करना पड़ रहा है। और ये आपके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप लोगों की ये स्थिति नज़र आ रही है प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में देखते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में आप किसी पर्सन का बहुत ही दिल थाम के इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं बहुत ही, मतलब पेशेंसली, बहुत ही धैर्य के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वांड्स जो है थामे हुए हैं, आप किसी और के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और ये आप बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, जिनकी भी एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि आप उन्हीं के तरफ ध्यान दे रहे हैं जिनके तरफ आपको देना चाहिए। बहुत ही लॉयल्टी से, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप अपने सोलमेट के तरफ देख रहे हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। और आपके पर्सनल लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी सिचुएशंस हैं वो अब हल होने वाली है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं उनका या तो कॉल या मैसेज आपको 3 नवंबर के बाद, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि 3 नवंबर के बाद या तो आपकी उनसे बात होगी, या तो आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या मैसेज में आप में से कुछ लोग जो इस एनर्जी में हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वो है ना, उनके लिए ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी डिसबैलेंस चल रहा है, जो मैरिड हैं या मैरिज के लिए देख रहे हैं, वो जो डिसबैलेंस है वो कहीं ना कहीं 3 तारीख के बाद आप उससे उभरेंगे, आपको हीलिंग प्राप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी।
आप बिल्कुल प्रेयर कर सकते हैं देखते हुए, क्योंकि आप लोगों के सामने में ही मैं सारे कार्ड्स यहाँ पर सफल कर रही हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए एनर्जी, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए वहाँ पर भी संभावनाएं नज़र आ रही थी। यहाँ पर भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑफ द डेक, आप बहुत ही धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए कुछ संभावनाएं आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आ रही है। 24 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर मुझे ये नंबर या तो आपको नज़र आते हैं या तो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है और जो आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये लग रहा है 4 तारीख को, 6 तारीख को और उसके बाद आपको ये क्योंकि यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को 666 एंजल नंबर नज़र भी आ सकता है और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगी 6 तारीख के बाद, 6 नवंबर के बाद आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी के अनुसार ये नज़र आ रहा है कि आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे समझ पाएंगे, आप उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आएंगी। इससे पहले आप जो भी कार्य करते थे उसमें आपको थोड़ा सा बाधा या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, संघर्ष का सामना जैसे कि हमने देखा है करना पड़ता था, लेकिन जब आप ये सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कार्मिक नहीं कहूँगी आप लोगों के लिए, मुझे कार्मिक नज़र नहीं आ रहा है, मुझे आप लोगों के लिए सोलमेट नज़र आ रहा है, ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है, ये दोनों को जब आप समझेंगे तब आप अपने लाइफ में उनसे मिलेंगे किसी भी प्रकार से और आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ की जिस तरीके से गोइंग विद द फ्लो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप इस तरीके से हवा के गति के साथ या कहिए पानी के गति के साथ आप चलते जाएंगे, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर रहेगी। आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, मुझे अभी आप लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है। अब हम देखते हैं चंद्रमा, है ना, मूनोलॉजी कार्ड से हम देखते हैं आपकी मन की स्थिति कैसी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए कृपया मार्गदर्शन, वृषभ राशि वालों के लिए उनके मन की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी नवंबर के मंथ में। आप बिल्कुल भोले बाबा माता पार्वती जी का, चंद्रदेव जी का स्मरण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। आपके मन की स्थिति यही रहेगी कि आप कुछ न्यू, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं या तो, और यहाँ पर भी बैलेंस है देखिए, कुछ जैसे ही आप बैलेंस होते जाएंगे अंदर से सोल लेवल से, वैसे ही आपकी मुलाकात किसी से होगी या आप किसी को पहचानेंगे ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ हैं तो, और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। आपके मन की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे मन की स्थिति नवंबर के मंथ में ज़्यादातर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये न्यू मून के बाद, जो ये न्यू मून गया है उसके बाद आपके लाइफ में एक सक्सेस की शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपकी मन की स्थिति मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है नवंबर के मंथ में। अब हम आपके लिए साईं बाबा जी का गॉडेस गाइडेंस एक कार्ड लेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए आपके लिए कार्ड आ ही गए हैं यहाँ पर, धारणाएं कहीं ना कहीं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आप ये देख सकते हैं कि जो सिचुएशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाधाएं आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें रुक रुक कर हुई हैं या देर से हुई हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, तो आपकी एक धारणाएं बन गई है। किसी भी पर्सन को आप सोचते हैं कि ये ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य को आप सोचते हैं लेकिन उसमें काफ़ी बाधाएं आती है, तो इस वजह से आपकी धारणाएं बन गई है। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आपके लिए है कि जो भी धारणाएं हैं उसे पॉजिटिव रखिए, निगेटिव धारणाओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें सच लगता है वो भ्रम होता है ना। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप ऐसे ही चलते रहिए पॉजिटिव सोच के साथ, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए एंडिंग एंड बिगनिंग, आपके सामने मैं ही सारे कार्ड्स सफल कर रही हूँ, वहाँ पर भी एंडिंग एंड बिगनिंग था, बैलेंस था,
माता काली माता जी का पूजन आप कर सकते हैं। जो भी लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते उनको मंत्र सुनना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत भी जो बाधाएं हैं, जो स्ट्रगल पीरियड है, जो निगेटिव है, निगेटिविटी थॉट में भी रहती है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। क्योंकि आपके लिए न्यू मून का भी काढ़ा आया था ना, तो न्यू मून के बाद कहीं ना कहीं आप, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप YouTube में काली माता जी का मंत्र आप लगाकर सुन सकते हैं। माता काली माता जी का पूजन आप जरूर करें। उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे और भी लोगों को गाइडलाइन प्राप्त हो इसके लिए आप शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।